चलिए वापस लौटते खबरों पर। लखनऊ से आपको इस वक्त की अपडेट बता रहे हैं, अभी अभी जानकारी सामने आई है, यूपी के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 5 से लेकर 10 मार्च तक नहीं मिलेगी छुट्टी, सिर्फ जो अत्यंत आवश्यक कार्य होंगे उसी के लिए विशेष आधार पर छुट्टी मिल पाएगी। आपको बता दें त्योहारों के मद्देनजर छुट्टियां निरस्त की गई हैं। 8 तारीख को होली है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में त्योहारों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 5 से लेकर 10 मार्च तक के लिए तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले DGP मुख्यालय से इसके आदेश जारी हुए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हिमांशु, 5 से लेकर 10 मार्च तक तमाम पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, आज भी जिस तरह यूपी का माहौल इस समय इलाहाबाद को प्रयागराज को लेकर गर्म है, तो उसी हिसाब से आज DS चौहान ने आने वाले समय पर त्योहार का भी सीजन है, तो उसी चौहान 5 से 10 मार्च तक छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हिमांशु, ये क्या आमतौर पर ये प्रक्रिया रहती है या इस बार कुछ विशेष है इसलिए ये जो ड्यूरेशन है 5 से 10 मार्च से तय किया गया है? नहीं नहीं, आमतौर की प्रक्रिया हर बार इसी तरह रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयागराज को देखते हुए ये थोड़ा डिसीजन पहले ही DGPR कार्यालय से ले लिया गया है, इसी कारण छुट्टियां रद्द कर दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो सिर्फ अति आवश्यक स्थिति में ही पुलिसकर्मियों को छुट्टियां मिल पाएंगी, बाकी लोगों को ड्यूटी ज्वाइन करना होगा 5 से लेकर 10 मार्च तक। अगर किसी की छुट्टी निर्धारित है तो उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।